कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से पहले स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा है। इस कड़ी में मंगलवार यानी आज सदर अस्पताल में 51 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अपर स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने किया। 51 बेड के इस पीडियाट्रिक आईसीयू में 27 बेड आईसीयू और 24 एचडीयू के बेड शामिल हैं। आईसीयू में वेंटिलेटर, मॉनिटर, मूवेबल एक्सरे जैसे कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। आईसीयू के संचालन के लिए चिकित्सकों और कर्मियों को रानी चिल्ड्रन अस्पताल में प्रशिक्षित किया गया है। वहीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए वार्ड के परिसर में प्लेग्राउंड और खिलौनों की भी व्यवस्था है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी टीम लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के तर्ज पर पीडियाट्रिशियन और शिशु रोग विशेषज्ञों के साथ तालमेल बनाकर काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जल्द ही राज्य में वैक्सीनेशन 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब अरुण सिंह को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व में विभाग बहुत तेज गति में काम कर रहा है और लगातार हम अपनी कमी खामी को कैसे दूर करें, इसके लिए हमारे प्रधान सचिव से लेकर सारे अधिकारी अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से जरूर जनता को यह विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2-4 महीने में आपको इस राज्य में स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत बेहतर दिखने लगेंगी। आपको बताते चले कि सदर अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड को बनाने में राउंड टेबल संस्था का भी योगदान रहा है। संस्था के द्वारा ऑक्सीजन बेड, हॉस्पिटल बेड और अन्य कई जरूरी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं। उद्घाटन के दौरान राउंड टेबल के अनुरोध बुधिया और मनप्रीत सिंह राजा ने कहा कि पहले उनकी संस्था स्कूलों के विकास पर ध्यान देती थी, लेकिन कोरोना के दौरान अस्पतालों में कई सामानों की समस्या आ रही थी, जिसके बाद राउंड टेबल ने इस दिशा में काम किया। बेड्स की कमी थी या एक PICU के डेवलपमेंट की जरूरत थी, हमने ये प्रोजेक्ट 4 जगह किया, 100-100 बेड का भी पाकुड़ में जो इनॉग्रेटेड हो चुका है, ये दूसरा सदर हुआ है, गुंडू में ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, उसके साथ इनॉग्रेट होगा एक साथ, हमारा 100 बेड वहाँ पहुँच चुका है और रामगढ़ भी एक है। उसके अलावा हम लोग अभी मांडर में मैल न्यूट्रिशन सेंटर को हम लोग ने लिया है और उसके पूरा काया पलट कर दिया, उसको एक अच्छा जगह बनाया है, उसमें हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, उसका भी इनॉग्रेशन हम लोग जल्दी करेंगे। वहीं इस दौरान सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर अजीत कुमार को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डॉक्टर अजीत ने कहा कि कोरोना काल में की गई सेवा को सम्मान मिलने से मनोबल और ऊंचा होता है। तो इस बार हम लोगों ने ये महसूस किया है कि नहीं, सही में योद्धा की तरह हम लोग सेकेंड वेव में लड़े। फ्रॉम दी फर्स्ट डे ऐसा भी सिचुएशन आया था कि एक डॉक्टर पे 100-100 मरीज थे और हमारे पास उस समय हेल्पिंग हैंड नहीं थी, सिस्टर्स का स्ट्राइक भी था, लेकिन वैसी स्थिति में हम लोगों ने बहादुरी से उस कंडीशन का सामना किया और अपने मरीजों की सेवा की और 90% से ज़्यादा मरीज हमारे यहाँ से ठीक होके गए। कुछ मरीजों को हम लोगों ने खोया, उसके लिए अफसोस है, लेकिन आगे इससे भी अच्छी व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था मरीजों को, आमजनों को मिले, यही सदर अस्पताल रांची का प्रयास रहेगा। उम्मीद है कि आने वाले समय में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की ये तैयारियां मददगार साबित होंगी। रांची से लाइव लगातार के लिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।